संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से हुआ प्रारंभ। 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई, जिसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग सहित ग्राम पंचायतों को दी गई है। इस अभियान का मकसद संक्रामक बीमारियों और दिमागी बुखार से होने वाले असमय मौतों पर रोक लगाना है। बता दें कि संचारी रोगों को लेकर ग्राम स्तर पर जनसंपर्क और जन जागरण अभियान सोमवार से शुरू हो गया। ग्राम स्तर पर साफ सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई और घर से जल निकासी के लिए लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आशा, ANM, आंगनबाड़ी वर्करों को उनकी जिम्मेदारियां निभाने में प्रधान सहयोग करेंगे। मुसाफिर खाना प्रभारी CSC अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह विशेष अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाया जाएगा। प्रधानों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है, जिनका निष्ठापूर्वक पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। अमेठी से समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। संचारी रोग पूरे जुलाई में चलेगा, पूरे महीने चलेगा। इसमें झाड़ू पोछा, सफाई, पूरे गांव की सफाई अभियान चल रहा है। नालियों की सालियों की सफाई हो रही है। मच्छरदानी उपयोग करें पब्लिक, जो है साफ सफाई रखें। बेसिकली यही है, साफ सफाई रखें, गंदगी से बीमारी फैलता है। ये तो इसमें किस तरह से जागरूक करेंगे आप लोग जनता को? हम लोग जो है 102 की गाड़ियों में कम्प्लीट बैनर लगवा दिए हैं, RVSK की गाड़ियां लगा दी हैं, जो चारों तरफ घूम रही है पूरे एरिया में और हर सब सेंटर में ANM और आशाओं के द्वारा पूरे गांव-गांव में हम इसको जागरूकता फैला रहे हैं। और भी कोई प्रचार प्रसार का साधन है? प्रचार प्रसार इसी तरह सब गाँव में कर रहे हैं, जो हर आशाएं हर गाँव में है, हर गाँव में किस तरह हर पब्लिक डोर टू डोर जो है हर घर घर जाके बता रही है। और क्या क्या सर इसमें जो है बीमारियों में मेन लक्षण ये है, कुछ काफी दिन से बुखार आना, उल्टी होना, शरीरों में अकड़न आ जाना, ठीक है, उल्टी होना और सुस्त पड़ने लगता, झटका आने लगता है बच्चों को जो है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बच्चों को पैरासिटामॉल घर पे रखें लोग, और साफ सफाई रखें, और ORS का घोल बच्चे को देते रहें।